नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। फिर से एक ट्रेन हादसा हो गया है और ये हादसा हुआ है गोंडा में, जहां ट्रेन डिरेल हो गई है। 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरियों से उतर गई है और इसके बनाए जा रहे 10 से 12 डिब्बे हैं जो कि पटरियों से उतरे हैं। और आपको बता दें, इसी के साथ ये हादसा तब हुआ जब चंडीगढ़ से गोरखपुर ये ट्रेन जा रही थी। ये निकल गए, राहत बचाव का कार्य जारी। सर, कितनी बजे की घटना और कितनी गाड़ियां? ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है, उसके हिसाब से 4 से 5 कोच डिरेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं, और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइड पे पहुंच गए हैं, मेडिकल वैन साइड पे पहुंच गई है, हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइड पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के आहत होने की कोई खबर? अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर, कोई ट्रेनें बाधित हैं अभी इसके लिए? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डायवर्जन हम लोग कर रहे हैं, उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। तो पंकज सिंह सीपीआरओ को सुन रहे थे आप, जो बता रहे थे कि किस तरीके से ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है। हालांकि अभी तक जिस तरीके से आंकड़े हैं वो निकल के सामने नहीं आए हैं। फिलहाल हादसे में 4 यात्रियों की मौत की खबर यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। 4 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बड़े पैमाने पर राहत बचाव का काम जारी है। लखनऊ से जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं लगातार। इसके साथ इस बीच जो स्थानीय लोग जो वहां मौजूद थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। बाल बाल बच गया, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ आपको। तो सवाल यहाँ पर दरअसल यह है कि इतने हादसों के बाद भी क्या सबक सीखा। हालांकि सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो पर जुड़ गया हमारे साथ सहयोगी राघवेंद्र। राघवेंद्र, लखनऊ से आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है असल हादसे को लेकर क्या वो सामने आ पाई है? मौतों की पुष्टि जो है 4 लोगों की हो गई है, आगे क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए जब कोई हादसा होता है तो तुरंत एक जांच टीम बैठाई जाती है, उसके बाद उस सही कारण सामने आता है कि फॉल्ट क्या था, क्या दिक्कत थी, ट्रेन में अलाइनमेंट में प्रॉब्लम थी, या ट्रैक कहीं खुला हुआ था, या कहीं कोई मिस्टेक रह गया था, या जो पायलट है जो उसको ले जाता है उसमें उसके चालक में कोई दिक्कत आ गई थी जो इस तरह की घटना हो गई, या मौके पर वहाँ कोई घटना दुर्घटना किसी जानवर से टकराने की कोई बात आई, वो सारी बात तो जाँच में आएगी। लेकिन सबसे जो प्राथमिक बात है कि 4 पलट चुका है, वहां पर घायलों को सुरक्षित बचाना, उनको समुचित इलाज देना, इसकी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा निर्देशित किया है, वह भी बात सामने आई। साथ ही रेलवे ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, और रेलवे की जो टीम है, चाहे वो हेल्थ की टीम हो या बचाव कार्य की टीम हो, वो मौके पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ बचाव का कार्य शुरू है, वहां के स्थानीय लोग भी वहां पर मदद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पहली जो प्राथमिकता है वह घायलों को सुरक्षित निकालना है, घायलों को इलाज देना है, और कुछ एकाध दो शायद मृतकों की भी बात आ रही है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। पुष्टि हो जाए तो वो भी आंकड़े निकल के आ जाएंगे, लेकिन यह घटना हुआ है। लखनऊ से पूरी निगरानी कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मौके पर अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और भी अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। रेलवे पूरी तरह से वहां पर अपनी टीम को एक्टिव कर चुका है, और स्थानीय लोग भी वहां पर। राघवेंद्र, देखिए ट्रेन पलट गई है, लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ है, जांच का विषय है वो। लेकिन अभी वहां पर स्थिति क्या है, कितनी एम्बुलेंस भेजी गई है, कहां कहां के वो हॉस्पिटल हैं जिन्हें अभी कहा गया है कि आप स्टैंड बाय पर रहिएगा, और कितने लोग हैं जो घायल भी बताए जा रहे हैं? 4 लोगों की मौत की पुष्टि तो कर दी गई है। देखिए अगर हाँ पुष्टि अगर कर दी गई है तो वहाँ पर जो घायल हैं पहले तो उनको बचाने की कोशिश हो रही है। गोंडा जो जिला अस्पताल है वहाँ पर घायलों को भेजा गया है, क्योंकि सबसे नज़दीक वही हॉस्पिटल है जो जिला अस्पताल होता है हर जिले में, तो वहाँ पर घायलों को भेजा जा रहा है। साथ ही आवश्यकता अगर समझ में आती है तो लखनऊ भी ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का अगर उनको एम्बुलेंस का रास्ता अगर दिया जाएगा तो 1 से 1.5 घंटे में वो लखनऊ आ सकते हैं। KGMU हुआ, लोहिया हुआ, या PGI में उनका इलाज हो सकता है, लेकिन सबसे पहले गोंडा के प्राथमिक स्वास्थ्य में जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मौके पर तमाम जो टीम होती है, जो रेस्क्यू टीम होती है, वो पहुंच चुकी है। रेलवे की भी अपनी एक स्वास्थ्य की टीम होती है, स्वास्थ्य का उनका अपना एक सिस्टम होता है, और एम्बुलेंस होता है, वो भी मौके पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की वहां जिले की जो पुलिस है वो मौके पर है, स्थानीय लोग हैं, अधिकारी हैं, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है,
कि लोग अपने लोगों से जो इस ट्रेन में बैठे थे उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही है। साथ ही लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे घटना पर नजर बनाए हुए हैं, वह भी वहां पर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और बड़े अधिकारियों के लिए उन्होंने कहा है कि वह मौके पर पहुंचे और देखें कि वहां पर स्थिति क्या है। तो इस तरह की जो घटना हुई है उस पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सतर्क है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा और उनको तुरंत इलाज कराने पे पूरी तरह से ध्यान लगाई हुई है। प्रभावित हो गए हैं उनका इलाज जल्द से जल्द किया जाए, ये प्राथमिकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि जो लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं उनके लिए बकायदे यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर दिया गया है। दर्शकों के लिए जानकारी बहुत अहम, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं दरअसल ये जो नंबर्स हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर्स जो है ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है उससे जोड़ते हुए, ताकि लोग इस नंबर पे कॉल करके सहायता ले सके, मदद ले सके। लखनऊ के अलग नंबर है, गोंडा के लिए अलग नंबर है। इसके अलावा जो स्थानीय नेता है वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। इस बीच गोंडा जंक्शन से रिलेटेड जो लोग वहां पे फंसे हुए, जो अपने को ढूंढ रहे हैं, प्रभावित हैं, अपने परिवार के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, वो इन नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से गोंडा में चूंकि हादसा हुआ है तो आसपास के जो जिला अस्पताल है इसके अलावा लखनऊ चूंकि करीब है, लिहाजा केजीएमसी राम मनोहर लोहिया और पीजीआई समेत तमाम जो बड़े हॉस्पिटल है वहां पर भी लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से भी निर्देश दिए गए, साथ ही साथ दिल्ली से भी नजर रखी जा रही इस पूरे हादसे को लेकर के। चार लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है राघवेंद्र, लेकिन अभी जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है देखकर क्या लगता है कितना बड़ा हादसा है ये, क्योंकि राहत का काम तो लगातार जारी है, लेकिन कुल कितने लोग प्रभावित होंगे सर, कुछ आकलन लग पा रहा है क्या? देखिए ये बहुत बड़ा हादसा है, यह तो संयोग की बात है या जो यात्री उसमें बैठे थे ये उनके लिए आज एक बड़ा दिन यह था कि उन लोगों की जान बची। जिस तरह से डिब्बे पलटे हैं ऐसे में यात्रियों के जान के जोखिम ज़्यादा था कि कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इसके चपेट में नहीं आ गए, लेकिन चार लोगों के मृतक की बात आ रही है। यह आंकड़ा उतना भयावह नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक कथा के दौरान एक सैकड़ों लोग केवल भगदड़ में मौत के गाल चले जाते हैं। तो इस तरह से ये घटना, चार चार डिब्बे पलट गए, बुरी तरह से वहां पर पलटे हुए हैं, ऐसे में घायलों को मदद दिया जा रहा है, स्वास्थ्य दिया जा रहा है उनको, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और जो ये मृतकों की जो संख्या है वह इस घटना के हिसाब से ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन एक एक जान की कीमत होती है। रेल घटनाएं बार बार हो रही है और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से घटनाएं हुई थी, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला था। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन चश्मदीद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। तो जो तमाम जो लोग हैं जो वहां मौजूद थे उनके पास हम जानेंगे, उनके पास जाएंगे हम, लेकिन इस बीच जो लोग वहां मौजूद थे हादसे के वक्त वो क्या कुछ कह रहे हैं अपनी आप बीती जरा वो भी सुन लीजिए। बाल बाल बच गया, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें, घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ आपको। यहाँ ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है, हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में, गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी, बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है, हाँ, और दो बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं, हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं, यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। तो ये वो यात्री हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, जो नंबर से वो बढ़ भी सकते हैं उनका कहना है। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय अभी स्थिति क्या देखने को मिल रही है, कोई अपडेट वहां से मिल पा रहा है? क्योंकि गोंडा से मैं 27 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है और ऐसे में गोंडा स्टेशन से भी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे होंगे, वो सभी अपनों की तलाश में होंगे। बिल्कुल, एक तरीके से कोहराम है गोंडा जिले में और आसपास के दूसरे बाराबंकी और अयोध्या, क्योंकि रूट वही पड़ता है, तो जो तमाम लोग उस हिस्से के हैं परेशान हैं, बेहाल हैं, परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है कि अपडेट्स ले सके। लेकिन इस समय जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि राहत और बचाव का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है, ना केवल गोंडा के बल्कि अगल बगल के जिले की भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हैं वहाँ पहुँच रही हैं, अस्पतालों को अलर्ट किया हुआ है, लखनऊ में भी अलर्ट किया हुआ है और लगातार वहाँ पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। तकरीबन 4
शव, ये बात करने के दौरान तक चार शव वहां पर मिल चुके हैं। तस्वीरें हमें शवों की दिख भी रही हैं कि कैसे जिस जगह पर ये दुर्घटना घटी उस के बगल में शवों को निकाल कर रखा गया है और लगातार वहां पर राहत बचाव का कार्य जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें पहुंची हुई हैं और सीनियर जो अधिकारी हैं वो खुद भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रयास है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको वहां से निकालकर उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। लेकिन अजय, सवाल दरअसल यहाँ पर यह भी है कि आखिर अब तक की जो जांच हुई होगी कुछ घंटों में ही कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है? कोई तकनीकी कारण है, कोई चूक है, लापरवाही है, बरसात है या कुछ और कारण? देखिए, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी रेलवे या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। प्राथमिकता बताई जा रही है कि जो राहत बचाव का कार्य है वो प्राथमिकता है और इसी कड़ी में न केवल उस जिले का बल्कि आसपास का प्रशासन भी मूव कर दिया गया है। लखनऊ से भी अधिकारियों को मूव कराया जा रहा है और लगातार राहत बचाव कार्य पर फोकस है। कारणों को लेकर अभी विवेचना होनी है क्योंकि ये डिरेल होने का मामला है, पटरी से ट्रेन के उतर जाने का मामला है, तो उसको लेकर विवेचना और क्या कुछ इसके कारण हो सकते हैं उनको लेकर जांच अभी रेलवे की तरफ से अलग से की जाएगी। यानी कि ट्रेन डीरेल हुई है, ट्रेन की टक्कर नहीं हुई है, लिहाजा जो तकनीकी दिक्कतें हैं या जो कारण है ये अपने आप में जांच का विषय है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि जो गोंडा है इसके आसपास के जो जिले हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे इसके अलावा बस्ती हो, चाहे लखनऊ या आसपास के जो जिले हैं, यहां से भी जो स्थानीय प्रशासन है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया मीनाक्षी। और यही वजह कि जो प्राथमिकता है वो दरअसल वो ये है कि जो लोग इस घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, हादसे का शिकार हो गए हैं, उनको इलाज यहां पर मिल पाए, साथ ही साथ जो लोग अभी फंसे हुए उनको निकाला जाए, अपने को मतलब पहुंचाया जाए। और इसी के साथ आपको बताया कि ट्रेन हादसे पर असम सीएम की भी नजर बनी हुई है और उनकी तरफ से भी इस बारे में जानकारी दी गई है कि ये जो हादसा हुआ है उसके लिए संपर्क में है। असम सरकार ने कहा कि डिब्रूगढ़ में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, 99-57-55-59-60 ये नंबर जारी किया गया है। तिनसुकिया हो, गोंडा हो, हर जगह के लिए नंबर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर डिब्रूगढ़ में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसके नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि हम रेलवे अधिकारियों के बराबर संपर्क में बने हुए हैं क्योंकि ट्रेन डिब्रूगढ़ से ही चलती है, डिब्रूगढ़ के लिए ही जा रही थी। राघवेंद्र, जो हादसा ये हुआ है उसी के साथ कई ऐसी ट्रेनें भी होंगी जिनका रूट आज डायवर्ट किया गया होगा, उनके रूट को बदला होगा क्योंकि इस रूट से तो कई ट्रेनें हैं जो गुजरती होंगी। बिल्कुल एकदम आप एकदम करेक्ट कह रही हैं, क्योंकि हादसा हुआ है, ट्रैक पूरी तरह से खराब हो गया है, वहां पर राहत और बचाव का कार्य शुरू है, वहां पर लोग पहुंचे हैं, स्थानीय लोग पहुंचे हैं, पूरा तंत्र वहां पर पहुंचा है, जो गोंडा का जो पूरा प्रशासन है वो वहां पर जमीन पर उतरा है, तो निश्चित तौर से पूरी तरह से ट्रेन का जो आवागमन है उसको रोक दिया गया है। कई ट्रेनें इसमें प्रभावित हुई हैं जिनको इस रूट से आना जाना है, उनको भी कहीं ना कहीं या तो डाइवर्ट किया जाएगा या उन लोगों को वेट के मतलब रोका जाएगा कि जब यह ट्रैक पूरी तरह से ठीक हो जाए तब ट्रेन की सेवा शुरू की जाएगी। ऐसे में दिक्कत तो होगी जो आने वाली ट्रेनें हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रयास है वह यही है कि जो घायल हैं, क्योंकि चार मृतकों की बात आ रही है, बड़ा हादसा है, चार डिब्बे ट्रैक्स उतर गए हैं, बुरी तरह से पलट गए हैं, तो जो घायल हुए हैं उनको बचाने का काम सबसे पहला होता है, सबसे पहली प्राथमिकता है। ऐसे में पूरा सिस्टम काम कर रहा है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, लखनऊ के जो हॉस्पिटल है बगल उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर किसी तरह से कोई घायल अगर आता है तो उसको तुरंत क्या कहते हैं कि इलाज देना है। साथ ही गोंडा में जो जिला अस्पताल है वहां पर घायलों का इलाज जारी है, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। अब रेल के हादसे जैसा कि है कि लगातार ये आए दिनों से होते आ रहे हैं, इस पर बहुत गहनता से रेलवे विभाग को समझना पड़ेगा कि आखिर यह कारण क्या है, किस वजह से होता है, सतर्क रहना पड़ेगा। लोगों की जान कीमती है, एक एक जान कीमती होती है, पैसेंजर एक सुरक्षित यात्रा करना चाहता है, वह नहीं चाहता है योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत, सभी की रेलवे पर नजर है, इस हादसे को लेकर नजर है। इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसके तहत लखनऊ, गोंडा से लेकर मरियानी, तिनसुकिया से लेकर तमाम जो स्टेशन है जहां पे लोग बैठकर अपनों का वेट कर रहे होंगे या ट्रेन का वेट कर रहे होंगे या अपनों को ढूंढ रहे होंगे, उन सबके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी यहां पर जारी कर दिया गया अजय। लेकिन सवाल दरअसल यहां पर एक बार फिर से यही कि बार बार हादसे होते हैं, इन हादसों से हम कितना सबक लेते हैं, क्योंकि हर बार ये हादसे हर किसी की जान पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं।
बिल्कुल, भारत में रेलवे से यात्रा करने का आंकड़ा सबसे बड़ा है और रेलवे की जो दुर्घटनाएं होती हैं, सैकड़ों लोगों की मौत होती है और उसके बाद ये सवाल उठता है कि इंतजामों को लेकर क्या कुछ होगा, क्या अपग्रेडेशन होगा और इस बार की जो ये घटना घटी है अब इसका विश्लेषण होगा कि क्या कुछ ये कारण रहे। पर इन कारणों से बचने के लिए तमाम तकनीकों की बात होती है, तमाम आधुनिक तकनीक आ गई है जिनके जरिए इन दुर्घटनाओं को रोका जाएगा, ये भी बात होती है। पर अब क्या जमीन पर ये निकल कर कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा और लोगों के जान जो जान खतरे का सबक बनी रहती है यात्राओं के दौरान, उसकी रक्षा कब होगी? अभी का अपडेट मैं फिर से आपको बताता चलूं, जो अभी प्राथमिक जानकारी आई है कि मौत का आंकड़ा अभी बड़ा है, पांचवा जो शव है बताया जा रहा है कि दुर्घटना स्थल से अभी निकाला गया है। एक जो बोगी है खास तौर पर इस डिरेल की प्रोसेस में काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, उस डिरेल बोगी में और भी शव निकल सकते हैं, ये भी आशंका जताई जा रही है। अजय, इसके साथ कई ऐसी भी जगह रही जहां भी हाल फिलहाल में रेलवे की तरफ से काम चलाया जा रहा था और अगर वहां पर काम चलाया जा रहा था, पटरी बिछाने का काम भी चलाया जा रहा था, तो क्या इस ट्रैक पर भी वो काम हुआ था, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, ये बात अभी विवेचना का विषय है, इस बारे में कोई अपडेट अभी नहीं दिया गया है। प्राथमिकता ये बताई जा रही है कि राहत बचाव है, तो जो फीडबैक भी अभी निकल के सोर्सेस से आ रहा है वो राहत बचाव के कामों से जुड़ा हुआ फीडबैक है, क्या इंतजाम है उनसे जुड़ा हुआ फीडबैक है। पर कोई पटरी पे कुछ काम चल रहा हो या पटरी पे कुछ रिपेयर का वर्क हो रहा हो, इससे जुड़ी कोई जानकारी अब तक सामने निकलकर नहीं आई है। तो जो काम चल रहा था वहां पर वो चल रहा था या रुक गया है, इसको लेकर जानकारी अभी आनी बाकी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि फिलहाल जो रेल सेवा है, जो आसपास की जो पटरियां उसके चलते बाकी ट्रेनों का जो रूट है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। इस बीच जो तस्वीरें हैं आपके सामने आगे टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से जब ट्रेन डिरेल हुई है उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल, लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदते हुए भी दिखाई दिए हैं। चूंकि यहां पर ट्रेनों की टक्कर नहीं थी, लेकिन जैसे ट्रेन डिसबैलेंस हुई लोगों को ये लगा कि ट्रेन पलटने वाली है, लिहाजा कुछ लोगों ने यहां पर कूद के जान बचाने की कोशिश की। राघवेंद्र, आपसे सवाल दरअसल मेरा यही है कि अब तो चूंकि ट्रेन डिरेल हो गई है, लेकिन ये जो रूट है ये कई ट्रेनों की ओर भी गुजरने का होगा, इस बीच आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच